ये हैं बूंदी के लड्डू जिनको मैंने बनाया है बिना बेसन का घोल बनाए या बूंदी को फ्राई किए। बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी है, 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। आप इन्हें इंस्टेंटली बना के खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताज रेसिपी। चलिए देखते हैं किस तरह बनते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले करना है हमको एक पैन गरम और उसमें डालेंगे 2 टीस्पून जितना घी। घी हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्राई फ्रूट को भूनना है तो इतना घी इनफ है। यहाँ पर मैंने लिया है कटा हुआ काजू, बादाम और पिस्ता। इनको हमें भूनना है, सिर्फ 10-12 सेकंड के लिए भूनेंगे इसको। इसका कलर भी हमें चेंज नहीं करना है और गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। 10-12 सेकंड भूनेंगे, उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप जितनी चीनी। आप घर का कोई भी कप या कटोरी ले लें और उसी से सारा मापें। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 1 कप जितना पानी। हमने 1 कप चीनी ली है और 1 कप हम पानी डालेंगे और चीनी के घुलने तक हम इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे और गैस की आंच धीमी रखेंगे। 2 से 3 मिनट इसको कुक करने के बाद चीनी जो है अच्छे से घुल गई है इसके अंदर। और अब जो हम गैस की आंच है मीडियम पे कर देंगे ताकि जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए उस तरह की कंसिस्टेंसी हमको मिल जाए। इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए हमें कुक करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर। आप चाहे तो यहाँ पे 2-3 पिंच जितना येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट बाद आप देख सकते हैं शुगर सिर्फ अच्छा सा तैयार हो गया है। आप इस तरह से उंगलियों पे लेके देखें तो इसमें किसी तरह का तार नहीं बन रहा है, बिल्कुल बिना तार की चाशनी है। और उंगलियों पे इस तरह से अगर आप रब करेंगे तो थोड़ी सी चिपचिपी सी आपको लगेगी लेकिन तार नहीं बनेगा। शुगर सिरप तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना इलायची का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अब आ रही आती है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, वो है ये बूंदी। बूंदी ये बाज़ार में ग्रोसरी शॉप में आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। ये बिना नमक की और बिना मसाले की बूंदी है। हमको लड्डू बनाने के लिए इसी तरह की एकदम प्लेन बूंदी लेनी है। बूंदी को हम डाल देंगे शुगर सिरप के अंदर, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसको ढक्कन लगाकर बिल्कुल धीमी आंच पर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। आप घड़ी देख कर रखें, 2 मिनट से ज़्यादा हमको इसको कुक नहीं करना है। 2 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं बूंदी ने काफ़ी सारा शुगर सिरप जो है अब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल जरा सा इसमें बचा है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमने 1 कप पानी, 1 कप चीनी और 3 कप बूंदी ली थी, ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इसी के साथ बनाएं तो बूंदी के लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए फिर से ढक के रखेंगे लेकिन गैस बंद कर देंगे। 6 से 7 मिनट बाद हम बूंदी को चेक कर लेंगे और बूंदी ने शुगर सिरप काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी शुगर सिरप नहीं बचा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो गई है। लेकिन अभी हल्की सी गर्म है तो इसको 5 मिनट इस तरह से खुला करके रख दें ताकि थोड़ी हल्की सी ठंडी हो जाए। 5 मिनट बाद बूंदी जो है लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप कोई भी चम्मच या कटोरी का माप ले लें जिससे आपको लड्डू बनाना है, ताकि लड्डू जो है एकदम एक जैसे माप के बने, एक जैसी साइज़ के बने। तो इस तरह से हम बूंदी लेंगे हाथों में और हल्के हल्के से प्रेस करते हुए लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाते वक्त आप ध्यान रखें, जब लड्डू बनाएंगे उस वक्त थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, आप उठाएंगे तो लगेगा टूट रहे हैं, लेकिन जब अगर वो थोड़ी देर पड़े रहेंगे 3-4 घंटे बाद वो एकदम सही हो जाएंगे और सेट हो जाएंगे। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। सारे लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल मार्केट में मिलते हैं उसी तरह का इनका लुक आ रहा है। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है, जो लोग कुकिंग सीख रहे हैं या मीठा बनाना सीख रहे हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। आप लड्डू को उठाकर देखें तो आपको लगेगा कि लड्डू कितने जूसी है और सॉफ्ट हैं और इनकी जो बूंदी का शेप है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी इसको प्रेस करने से या कुक करने से ये बिगड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें कांताज रेसिपी को। मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।